आज सुबह से पकड़ लाई है मेरे को, कहती नहीं आज कल मेरा व्लॉग नहीं डल पाया था, आज मेरे को व्लॉग डलना ही डलना है। मैं नहीं जानती कैसे भी हो, उठो उठो उठो, जबरदस्ती उठा के ले आई मेरे को, नहीं तो सोता मैं बढ़िया 10 बजे तक। ये है भैया हमारा शोरूम। आप सब पूछ रहे थे कि ये क्या करते हैं, तो ये है शोरूम हमारा। यही भैया सोफा फर्नीचर बड़ाई गिरी का काम करते हम लोग, बड़े आदमी। ये है अपने पास डाइनिंग टेबल्स, ये ऊपर लगे हैं सारे, ये पलंग है, ये सिंगल बेड डबल बेड किंग साइज क्वीन साइज सारे हैं। और ये हमारी डबल बेड, ये सोफे हैं, गंदा 1 महीने से यहाँ कोई ढूंढने देखने वाला नहीं, ढूंढने वाला नहीं है। हाँ एल सोफे भी बनाते हैं, एल सोफे की फोटोज मैं अलग से डलवा दूंगा। ये सिलाई मशीन वगैरह रखी है हमारे सोफे बनाने के लिए, कारखाना भी दिखाता हूँ आज आपको मैं। ये टीवी यूनिट है, सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि बिल्कुल देख रेख हो नहीं पाई है। और ये हमारा गर्मी के लिए हमारे हनुमान जी संकट मोचन, ये कूलर हम अलग से लेके आए थे जबलपुर से क्योंकि गर्मी इतनी होती है यहाँ पे। एक्चुअली है टीन शेड है, पूरा टीन लगा हुआ है और क्या जो गारमेंट वाला है शोरूम अपना, तो क्या टीन लगा हुआ है बहुत गर्माता है, इसलिए हम ये अलग से कूलर लेके आए थे जबलपुर से। टेंट वाला कूलर है, ऐसे क्या है कि थोड़ी बहुत कंट्रोल हो जाता है, कम से कम जितनी देर कूलर चलाओ सामने खड़े रहो उतनी देर तक तो अच्छा लगता है। फिर एक बार हमारी डबल बेड, ये पूरा सामने यहाँ से जो व्यू दिखता है, ये अपना पूरा टाल है, और ये घर। सबसे अच्छी बात ये है घर और काम अपना दोनों एक ही जगह पे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ये इस टाइप से सोफे बन जाते हैं, जाले वगैरह भी लगे हैं। जाले कल थोड़े जाले वाले ठीक किए मैंने, तब तो आज तो चलने की भी दिक्कत होती थी। ये ड्रेसिंग टेबल, हाँ हम लोग जो एल सोफे बनाते हैं उसके लिए ये कैटलॉग है, ये इन कैटलॉग में से अपन कपड़े पसंद कर सकते हैं। प्रिंटेड चाहिए अपने को, हर प्रकार का अवेलेबल हो जाएगा, अपने हिसाब से अपन कस्टमाइज भी करवा सकते हैं इसको, साइज शेप डिजाइन कलर फैब्रिक हर प्रकार से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वाला देखो ना प्लेन वाला, ये वो उसके ऊपर टेबल के ऊपर,
देखो इसमें दिख रहा, देख रहा। ये रख दी रहे, जैसा आप चाहे अपने। एक्चुअली ये सब चीजें पूरा कस्टमाइजेशन वाला काम है, हर कोई अपना घर इंटीरियर करवाता है और उसी हिसाब से सब सामान लगवाता है। अब किसका इंटीरियर कैसा हुआ है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, क्या थीम है, उस हिसाब से सब सिलेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें रहती हैं। सोफे की फोटोज़ वगैरह मैं आपको डलवा दूंगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक्चुअली ये हमारा थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा, आप लोगों को भी अगर कुछ सोफे वगैरह बनवाने हो, कुछ फर्नीचर बनवाना हो तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन है सब, बहुत बढ़िया कलर है, देख लो इसमें नहीं है, ये नीचे वाले में होगा। देखिए इतने सारे कैटलॉग्स हैं, हाँ इसमें होगा। चिपक रहा है ना, वो गर्मी के कारण ना मैगजीन है सब चिपक रहा। ये बहुत बढ़िया कलर लगता है मैम। इसके अलावा अगर एग्जीन में नहीं चाहिए, अपने को फैब्रिक में चाहिए तो फैब्रिक में भी मिल जाएगा। सब रेंज का फैब्रिक अवेलेबल रहता है। एक्चुअली ये सब अवेलेबल नहीं, मतलब ऑर्डर पे आ जाता है, कैटलॉग में से पसंद कर लेते हैं, जब तक सोफे का काम चालू होता है तब तक कपड़ा आ जाता है तो आगे का काम हो जाता है। ये सब कपड़े इधर बाहर से आते हैं? बाहर जाते हैं सब, दिल्ली से, बॉम्बे से, जबलपुर से, सब अलग अलग जगह कैटलॉग से। क्या इतना एक्चुअली स्टोर नहीं कर सकते ना अपन पूरा, सब चीज ऑन हैंड रहे। एक ये वाला और देखे, इसमें आजकल जो ये स्टर्ब 10 कलर, ये वीडियो में उतना अच्छा क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब कलर सही नहीं आ रहा, ये लाइटर शेड दिख रहा है, डार्क आता थोड़ा सा। और ये देखो सब चीज अवेलेबल हो जाएगी। तो अब अपन आगे की ओर चलते हैं, मैं कारखाना दिखाता हूँ आपको, कैसा गंदा मचा हुआ है कारखाना। आइए मैडम इस तरफ से आ जाइए, बंद कर दो वो। हाँ कर दो। पलंग एक्चुअली लॉकडाउन के पहले ऑर्डर का है, पर लेकिन अब लॉकडाउन चालू हो गया, उसी दिन से लॉकडाउन लग गया था तो फिर ये पहुंचा नहीं पाए। यहाँ काम होता है, ये सब लड़कों के कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं। ये सारा पॉलिशिंग मटेरियल रखा हुआ है, फेविकोल रखा हुआ है, हम पूरा काम फेविकोल से ही करते हैं, दूसरी चीज नहीं लगाते, पूरा फेविकोल से ही करते हैं तभी क्वालिटी अच्छी आती है। ये एक पलंग और हमारा ऑर्डर का रखा हुआ, सब लॉकडाउन की वजह से जाना रुक गया। मत करो, मैं बहुत धूल होगी, बहुत धूल है, बहुत धूल है, पकड़ो सूटी में। ये भी और सामान जो इनकम्प्लीट है, कुछ सेमी फिनिश्ड है, ये सब रखा हुआ। हाँ जब गया था ना खजुराहो तो ले गए थे वो वहां पे। अच्छा। हाँ ये पलंग के जो बॉक्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं पूरा, हम लोग क्या करते हैं पूरा बत्ते लगाते हैं और स्क्रू करते हैं तो मजबूती अच्छी आती है। एक ड्रेसिंग ये रखा हुआ है, ये सब अलमारियों में सब हमारा उल्टा सीधा हार्डवेयर सामान सब रखा हुआ है। और ये यहाँ पे, हाँ लाइट चालू,
ये है किचन, हमारे लड़के यहाँ पे खाना वाना बनाते हुए वर्कर रुकते हैं यहाँ पे, ये उनके लिए है छोटा सा बना रखा हम लोगों ने, और बाकी हमारा सामान भी रहता है। और ये ऑफिस टेबल जो हम कभी यूज नहीं करते, सब सामान रखने में काम आ रही है, ये सब हार्डवेयर लोहा लंगर सब हम लोगों का। ये ऊपर जो आप बड़े बड़े मोटे मोटे कैटलॉग देख रहे हैं, ये माइका कैटलॉग है, सनमाइका के। ये है आरा मशीन, 100 ml कहते हैं। इसमें क्या है कि ये बड़े बड़े मोटी मोटी लकड़ियों को काट के फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे सबके उपयोगी बनाते हैं। कभी अगली बार, अभी तो लॉकडाउन चल रहा के कारण बंद है, कभी अगली बार मैं आपको चलते हुए दिखाऊंगा। ये ज़्यादा बड़ी लकड़ी होती है तो इसमें ट्रॉली में चीरते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये ट्रॉली है, इसमें मोटे लकड़ी और नीचे चक्के लगे हुए, आराम से ढकेल जाती है, तो आसानी होती है। बड़ी लकड़ियों में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और लकड़ी साफ भी निकलती है। और ये है बैंड सॉ, इसमें कंपेरेटिवली छोटी लकड़ियाँ, जैसे ये रखी हुई है, पतली लकड़ियाँ काटते हैं, जिससे क्या होता है कि ये आगे अपन फर्नीचर के उपयोग में ली जा सके। आज एक्चुअली ब्लॉगिंग मैं ही कर रहा हूँ, तुम कहाँ कर रही हो? तो मेरा ब्लॉग कहना चाहिए, ब्लॉग अभिनव का। अब यही आ गया घर, ये गेट है, ये एक्चुअली मेन गेट है हमारा, ये ऑफिस है और ये मेन गेट है, और ये हमारा घर का गेट है। आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ, और मुझे जाके जल्दी से खाना बनाना है, फिर उसके बाद आप लोग तक व्लॉग पहुँचाना है, अभी एडिटिंग भी बाकी है, तो चलिए चलते हैं।